कि ये चार्जेबल है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, काफी अच्छा साउंड है इसका। जीनियस हमारा अमेजिंग ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए हम ये स्पीकर यूज करेंगे। ये दोस्तों लैपटॉप का स्पीकर है, हम ये दो स्पीकर यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे ये TP4056 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल, एक हम यूज करने वाले दोस्तों ये PAM8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, एक हमें चाहिएगा ये ऑन ऑफ स्विच, 3.7 वोल्ट की लिपो बैटरी है 150 मिली एम्पीयर आवर की। दोस्तों पुराना मोबाइल पावर बैंक होता है उसका एक ये डब्बा है, उसका आउटर छोटा सा पीस है मेरे पास, ये बाकी का पीस हमने यूज करके एक लैंप बनाया था, चैनल पे आप देख सकते हैं, उसका ये बचा हुआ स्क्रैप का पीस था। तो ये सारी असेंबली हम इसके अंदर फिट करने वाले दोस्तों, यूज लेने वाले हैं ये दो स्पीकर। ये यहाँ पे एक स्पीकर इधर लगेगा दोस्तों और एक स्पीकर इसके यहाँ पे लगेगा। ये जो दोनों हमारे स्पीकर हैं दोस्तों ये थोड़े से बड़े हैं तो मैं इनको थोड़ा सा राउंड घिस लूंगा यहाँ से। जीनियस ये है हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल PAM8403, इसके कनेक्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ये तीन वायर हैं RTL, ठीक है, ये इसकी सप्लाई के वायर हैं ग्राउंड और ये पॉजिटिव। ये हमारे यहाँ से दो स्पीकर्स इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमने दो स्पीकर यूज करे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। अब देखिए दोस्तों इसके जो ये तीन वायर हैं ये सेम तीन वायर हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर भी हैं, रिसीवर आउट और ग्राउंड और लाइन आउट, VCC पॉजिटिव और ये ग्राउंड, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं और RZL जो लिखा हुआ है सेम ये तीनों वायर हमारे इस PAM में भी हैं, RTL लिखा है इसमें, लेकिन इनके कनेक्शंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इनको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे आपस में, एक वायर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दूसरा वायर इसके ऊपर लगा देंगे। दोस्तों ये सिंपलेस्ट कनेक्शन हो गए हैं, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव को दोनों बोर्ड्स के एक साथ जोड़ दिया है और जो ये तीनों वायर हैं इन तीनों को एक साथ हमने जोड़ दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये जो दोनों वायर निकले हैं हमारे ये सीधे बैटरी में जाएंगे, उसके बीच में हम एक स्विच लगाएंगे। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल, ये वाला। इसको हमारे इस बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए हमें एक होल करना पड़ेगा जिससे ये हमारा चार्जिंग सॉकेट बाहर निकल जाए। तो जीनियस हमारे चार्जिंग मॉड्यूल को हम फिट करने वाले हैं हमारे इस बॉक्स में, हम इसको ऐसे साइडवाइज फिक्स करने वाले हैं, साइडवाइज इसको लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे। जीनियस इसके कवर में होल करने के लिए मैं यूज करूंगा ये वाली ड्रिल का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो जीनियस जल्दी से हम अपने स्पीकर्स को फिट कर लेते हैं इसमें। स्पीकर्स को फिट करने के लिए दोस्तों मैं ये फेविकोल की ओल्ड फिक्स यूज करूंगा। ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल में मैंने किया है कुछ अल्टरेशन। देखिए यहाँ पे आपको ये रजिस्टर दिख रहा होगा, ये मैंने दूसरा रजिस्टर लगाया है इसका आउटपुट करंट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। इसमें ये रजिस्टर होता है R3, ये इसके आउटपुट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। अभी मैंने यहाँ पे 5K का रजिस्टर लगाया है क्योंकि दोस्तों हम जो बैटरी इसमें यूज करने वाले हैं वो बैटरी ये वाली थोड़ी फूली हुई है। फूलने के पीछे कारण भी यही है कि इसको ओवर एम्प से चार्ज किया गया है
दोस्तों ये वाली बैटरी जो है वो 150 मिली एम्स की है और हमारा जो ये चार्जिंग मॉड्यूल होता है इसका 1 एम्स का आउटपुट करंट होता है 3.7 वोल्ट 1 एम्स, तो हमें 1 एम्स इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको कंट्रोल करके मैंने 250 एम्स पे ले आया हूँ मैं। जिन्हें से बैटरी हमने हमारी मॉड्यूल में कनेक्ट कर ली है चार्जिंग मॉड्यूल में, देखिए अब हमारा जो हमने ये स्पीकर बनाया है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर निकले हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल जो है इसमें ये वाले जो वायर थे अंदर वाले ये बैटरी के लिए थे, लेकिन ये वाले जो हैं ये आउटपुट के लिए हैं, तो यहाँ से नेगेटिव मैं कनेक्ट करूँगा हमारे स्पीकर का और पॉजिटिव वायर यहाँ पे कनेक्ट हुआ, लेकिन पॉजिटिव के बीच में मैं एक स्विच देने वाला हूँ दोस्तों। हम इसको चार्ज करेंगे दोस्तों तो बैटरी तो चार्ज होती रहेगी और ये तो हमारी लाइटें हैं ये इंडिकेशन दे देंगे कि चार्ज हो रही है कि ये डिस्चार्ज हो गई है बैटरी। अब इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे स्विच लगाने वाले हैं, इन दोनों वायर्स के बीच में एक स्विच लगा देंगे ताकि जब स्विच ऑन करेंगे तब हमारा स्पीकर ऑन होगा, चार्ज लगाएंगे तब नहीं। ये वाला 6 लेग्स का स्विच है जिसमें से कोई भी साइड की 2 लेग्स में कंटिन्यूटी आती है, बाकी की और इसकी 4 लेग हम काट देंगे। जिन्हें से कनेक्शन सारे हमारे हो गए हैं अब हम इस चार्जिंग मॉड्यूल को हमारे इस होल में फिक्स कर देते हैं। हमारा चार्जिंग मॉड्यूल यहाँ पे चिपक गया है अच्छे से, फेविक्विक की हेल्प से मैंने चिपका दिया है और ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स इसमें हमने बोर्ड लगाए हैं, ये एम्पलीफायर बोर्ड और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल, इनको मैंने इस तरह से यहाँ पे सेटल कर दिया है कि अच्छे से ये हमारा इसका बैक कवर जो हम लगाएंगे वो सेट हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से मैं इन दोनों को यहाँ पे हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका देता हूँ। सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर केस के अंदर इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम इसका पीछे का एक कवर बना लेते हैं। अब दोस्तों इसका पीछे का कवर बनाने के लिए ये प्लास्टिक की सीट है, प्लास्टिक का पाइप आता है उसको सीधा करके मैंने बना ली है। जल्दी से मैं प्लास्टिक की सीट काट के इसके पीछे का कवर बना लेता हूँ। जैसे हमारे इस बैक कवर के अंदर मैंने कर लिया है ये कि एक स्क्वायर होल, ये राउंड होल क्या था इसको इसकी कटर की हेल्प से काट के मैंने स्क्वायर कर लिया है, एक छोटा ये राउंड होल कर लिया दोस्तों। ये यहाँ पे ऐसे फिट होने वाले हैं हमारे इस स्पीकर के पीछे, ये जो स्विच है ये बाहर आ जाएगा और इस होल में से दोस्तों डिस्चार्ज होता है तो रेड कलर की LED आती है और जब चार्ज हो जाता है बैटरी तो ये ब्लू कलर की LED ग्लो हो जाती है। ये होल ओपन है दोस्तों, इसको बंद करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्लू, मेल्टेड ग्लू। पहली बार आए हैं तो चैनल पे जाके एक बार 5 वीडियोस देख लो, 5 वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, बहुत सारे चैनल हैं जो ऐसे ही वीडियो बना बना के भी सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो एक ये अच्छा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है यार तो राइट साइड में बने हुए लाल बटन को सब्सक्राइब बटन को दबा दो और घंटे को जरूर दबा देना ताकि अगली बार जब भी इससे भी धांसू स्पीकर अगर हम बनाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा ताकि आप उसे सबसे पहले देख पाओ।